दोस्तों ये कहानी है राजस्थान के जोधपुर के मोहनलाल की। मोहनलाल ने 80 के दशक में मसाले बेचने का काम शुरू किया। अपने मसालों को वो साइकिल पर घूम घूम कर बेचा करते थे। फॉरनर टूरिस्ट को उसके मसाले खूब पसंद आए। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने एमवी स्पाइस ब्रांड को काफी आगे बढ़ा लिया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी डेथ हो गई। दोस्तों मोहनलाल के यहाँ 7 बेटियां थी। लोगों को लगा उनका कोई बेटा नहीं है तो उसका काम बंद हो जाएगा, ये तो तय है। इसके नाम पर लोग टूरिस्ट को नकली मसाले बेचकर लूटने लगे। सब देखकर मोहनलाल की वाइफ ने अपने बिजनेस को संभाला और अपनी बेटियों पर ट्रस्ट करके उन्हें भी बिजनेस का हिस्सा बनाया। दोस्तों आज इन 7 बेटियों ने एमवी स्पाइस को एक इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया है। अब इनकी 4 ब्रांचें हैं और इसके अलावा इनके मसाले की डिमांड कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में बहुत ज्यादा है। दोस्तों अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाने वाली इन 7 बेटियों को स्पाइस गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप इन 7 बेटियों के बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।